भारतीय किसान यूनियन भारत की एक ऐसा संगठन है जिसमें हर किसान की हर परेशान की मजदूरों की ऐसी आवाज उठाई जाती है जिनको आज राजनीतिक पार्टियां और कर्मचारी अधिकारी गिरी हुई नजरों से देखते हैं। उनको सर्वबुलंद करने का ये एक संगठन है यानी किसानों को, और हम सबका संगठन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ऐसी ऊंची चीज है। एक गांव से लेकर के प्रदेश के रास्ते से होते हुए केंद्र तक किसान ही की ताकत है। हर एक नेता और हर एक पदाधिकारी चाहे वो किसी स्तर पर हो किसानों ही की दी हुई प्रति खता है और उसी के साथ अन्याय होता है। ये चीज अब से तकरीबन 35-40 साल पहले हमारे स्वर्गीय दादा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नजर में जब ये बात आई तो उन्होंने इस कमेटी का एक किसानों के संगठन का गठन किया और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़े बड़े मोर्चों में और जाने कितने कितने धरनों में, जेल भरो आंदोलनों में और तमाम सारी बैठकों में हर लाइन के राजनीतिक मौजूदा पार्टियों से जो मौजूदा सत्ता थी हर सत्ता से टकराने का काम किया। और आज अगर वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी दी हुई ताकत और उनके दिए हुए अज्म इरादे हम सबके अंदर मौत तक मौजूद रहेंगे, आने वाली नस्लों में भी ये तकसीम होते रहेंगे। इसलिए हम इस बात को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं और आग्रह करते हैं, हर एक से इस बात की अभिलाषा है कि हम उन्हीं नीतों विचारों के तहत चले जैसा कि हमारे दादा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हमें सिखाया और समझाया। जय जवान, जय किसान। तो सर्वप्रथम मैं उन बाबा के आज हमारे बीच ना होने की वजह से उनकी याद में कुछ गुनगुनाना है आप लोगों को, उन जुमलों पर, उन लाइनों पर उनके अर्थ अनुवाद के साथ साथ ध्यान और विचार भी रखना। सीसौली वाले बाबा का जब ध्यान हो गया, जब ध्यान हो गया आंखों से निकले आंसू परेशान हो गया। सीसौली वाले बाबा का जब ध्यान हो गया, जब ध्यान हो गया आंखों से निकले आंसू परेशान।